प्रश्न संख्या 7। इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां दो दो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं और इनके बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो इसका मैं एक प्रश्न ले रहा हूं और वो सी नंबर, यह है -1/3 और 1/3। तो आइए देखें कैसे हम करते हैं। -1/3, चूंकि हमें इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या लेनी है, तो हम देखेंगे ये माइनस वाला जो है 0 से यहां, यहां हर में 3 है, तो 0 से इधर 3 हो जाता है, 0 से इधर 3 हो जाता है। तो ये ऐसा करेंगे कि 5 लेनी थी तो हम यहां 3/3 से इसे गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा -3/9। इसी तरह से हम 1/3 को भी करेंगे, तो 1/3 को भी हम 3/3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/9। तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच -3/9 और 3/9 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। -3 वैसे तो असंख्य होंगी, -3/9 इससे बड़ी हो जाएंगी, -2/9 इससे बड़ी हो जाएंगी, -1/9 और इससे बड़ी 0, इससे बड़ी 1/9 और इससे बड़ी 2/9 और इससे बड़ी 3/9। तो इस तरह से हमें -1/3 और 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं मिल गई, क्योंकि ये -3/9 वास्तव में क्या है, -1/3 है, और ये 3/9 वास्तव में क्या है, 1/3 है। तो इसे हम शब्दों में लिखते हैं, अतः -1/3 और 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं, -2/9, -1/9, 0, 1/9, 2/9। प्रश्न संख्या 8। इनके मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें भी दो प्रश्न है, मैं एक प्रश्न हल कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 8 ए, 1/4 और 1/2। तो देखिए कैसे करते हैं, 1/4 बराबर, इसे हम 11/11 से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 11/44। अब इस वाले को 1/2 को अभी तो हर हमने समान नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था कि ये तो आराम से हो जाएगा। तो 1/2 को पहले हम 2/2 से गुना करते हैं, तो ये 2/4 आ गया। तो यहां 4 और 4 ये हर बराबर हो चुका है, तो अब हम इसे भी 11/11 से गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 22/44। अब इन दोनों के बीच हमें 10 परिमेय संख्याएं लिखनी है, वैसे तो अनंत होगी लेकिन हमें सिर्फ 10 लेनी है, तो 11/44 इससे बड़ा हो जाएगा 12/44, इससे बड़ा होगा 13/44, इससे बड़ा
चौदह बटे चौवालीस, इससे बड़ा पंद्रह बटे चौवालीस, फिर सोलह बटे चौवालीस, सत्रह बटे चौवालीस, इधर लिख रहे हैं नीचे अट्ठारह बटे चौवालीस, उन्नीस बटे चौवालीस, ये बीस बटा चौवालीस, इक्कीस बटा चौवालीस और ये अंत में बाईस बटा चौवालीस। तो गिन के हम देखते हैं दस हुए या नहीं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। इस तरह से एक बटे चार और एक बटे दो के बीच हमें दस परिमेय संख्या मिल गई। शब्दों में भी ऐसे हम लिख सकते हैं, अतः एक बटे चार और एक बटा दो के बीच दस परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी? बारह बटे चौवालीस, तेरह बटे चौवालीस, चौदह बटे चौवालीस, पंद्रह बटे चौवालीस, सोलह बटे चौवालीस, सत्रह बटे चौवालीस, अट्ठारह बटे चौवालीस, उन्नीस बटे चौवालीस, बीस बटे चौवालीस और इक्कीस बटे चौवालीस। तो ये दस परिमेय संख्याएं हो गई एक बटे चार और एक बटा दो के बीच। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, यह सही है। दो परिमेय संख्याओं के बीच पाए जाने वाली परिमेय संख्याएं असीमित हैं, यह भी सही है। माइनस तीन बटे पांच और शून्य के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है, यह नहीं, ये गलत है, क्योंकि माइनस तीन बटे पांच और शून्य अर्थात दो संख्याओं के बीच हम जानते हैं असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य चूंकि एक पूर्ण संख्या होती है इसलिए यह परिमेय संख्या भी है, यह सही है।